नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमन मोरवाल और मैं आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे हिमा दास की कंप्लीट बायोग्राफी के बारे में। दोस्तों, हिमा दास एक भारतीय एथलीट हैं। हिमा दास का जन्म असम राज्य के नगांव जिले के कांदुलीमारी गांव में हुआ था। हिमा दास के पिता का नाम रणजीत दास तथा माता का नाम जोनाली दास है। उनके माता पिता चावल की खेती करते हैं। हिमा दास ने अपने विद्यालय के दिनों में लड़कों के साथ फुटबॉल खेलकर स्पोर्ट्स की तरफ अपनी रुचि की शुरुआत की थी। हिमा दास अपना करियर फुटबॉल में देख रही थी और भारत के लिए खेलने की उम्मीद भी कर रही थी। फिर जवाहर नवोदय विद्यालय के शारीरिक शिक्षक शमशुल हक की सलाह पर उन्होंने दौड़ना शुरू किया। शमशुल हक ने उनकी पहचान नगांव स्पोर्ट्स एसोसिएशन के गौरी शंकर रॉय से कराई। फिर हिमा दास जिला स्तरीय प्रतियोगिता में चयनित हुई और 2 स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल भी जीते। जिला स्तरीय प्रतियोगिता के दौरान स्पोर्ट्स एंड यूथ वेलफेयर के निपोन दास की नज़र उन पर पड़ी। उन्होंने हिमा दास को के परिवार वालों को हिमा दास को गुवाहाटी भेजने के लिए मनाया, जो कि उनके गांव से 140 किलोमीटर दूर था। पहला मना करने के बाद हिमा दास के घर वाले मान गए और फिर उसके बाद हिमा दास ने वर्ल्ड अंडर 20 चैंपियनशिप्स 2018 फिनलैंड में स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल जीतकर रातों रात सुर्खियां बटोरी थी। हिमा दास ने 400 मीटर की दौड़ स्पर्धा में 51.46 सेकंड्स का समय निकालकर स्वर्ण पदक जीता यानी गोल्ड मेडल जीता। हिमा दास ने ऐसा ही प्रदर्शन जकार्ता में हुए 18वें एशियन गेम्स में भी जारी रखा। 2019 में उन्होंने 19 दिन में 5 गोल्ड मेडल जीतकर पूरे देश का नाम दुनिया में रोशन कर दिया। अभी हाल ही में 26 फरवरी 2021 के दिन हिमा दास को असम पुलिस में पुलिस उपाधीक्षक DSP के पद पर नियुक्त किया गया। हिमा दास को राज्य की एकीकृत खेल नीति के तहत इस पद पर नियुक्त किया गया। तो चलिए दोस्तों, अब आगे इस वीडियो में हम आपको हिमा दास की कंप्लीट बायोग्राफी से रूबरू करवाते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं इनके बायो और विकी के बारे में। तो फुल नेम इनका हिमा दास है। निकनेम्स की बात करें तो ढिंग एक्सप्रेस, मोहन जय, गोल्डन गन इनका निकनेम है। प्रोफेशन की बात की जाए तो ये एथलीट है। दोस्तों, अब बात करें फेमस फॉर यानी किस चीज़ के लिए फेमस हुई है ये, तो ये फर्स्ट इंडियन है जिन्होंने IAAF चैम्पियनशिप वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2018 में गोल्ड मेडल जीता था। दोस्तों, अब जान लेते हैं इनके फिजिकल स्टेट्स एंड मोर के बारे में। तो हाइट इनकी 5 फीट 5 इंचेस है। आई कलर इनका ब्लैक है, हेयर कलर इनका ब्राउन है और इन्होंने कलर्ड करवा रखा है राइट साइड से। दोस्तों, अब जान लेते हैं इनके पर्सनल लाइफ के बारे में। तो डेट ऑफ बर्थ इनकी 9 जनवरी 2000, एज इनकी 2021 के हिसाब से 21 इयर्स की है। बर्थ प्लेस इनका कांदुलीमारी विलेज ढिंग नागांव असम। दोस्तों, अब जान लेते हैं इनके जॉडिक साइन के बारे में, जो कि कैप्रिकॉर्न है। नेशनैलिटी इनकी दोस्तों इंडियन है। होम टाउन इनका ढिंग नागांव असम इनका होम टाउन है। दोस्तों, बात करें इनके रिलीजन की तो जो कि हिंदुइज्म है। कास्ट इनकी क्योट कालीबार्ता, स्केड्यूल कास्ट इनकी कास्ट है। दोस्तों, हॉबीज़ की बात करें तो प्लेइंग फुटबॉल, शॉपिंग, लिसनिंग टू म्यूज़िक और वॉचिंग मूवीज़ इनकी हॉबीज़ है। दोस्तों, अब जान लेते हैं इनके एजुकेशन डिटेल्स के बारे में। तो स्कूल इनकी ढिंग पब्लिक हाई स्कूल असम। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो इन्होंने 12th पास की है 2019 में असम हायर सेकेंडरी एजुकेशनल काउंसिल से। दोस्तों, अब जान लेते हैं इनके बेस्ट रिकॉर्ड्स के बारे में। तो पर्सनल बेस्ट रिकॉर्ड्स इनका 100 मीटर के अंदर वो 11.74 सेकेंड्स, 1200 मीटर्स के अंदर 23.10 सेकेंड्स और 400 मीटर के अंदर 50.79 सेकेंड्स इनका पर्सनल बेस्ट रिकॉर्ड है। दोस्तों, अब जान लेते हैं इनके इंटरनेशनल रिकॉर्ड्स के बारे में। तो इन्होंने, यह फर्स्ट इंडियन है जिन्होंने ट्रैक इवेंट में, इंटरनेशनल ट्रैक इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है। नेशनल रिकॉर्ड्स भी इन्होंने 400 मीटर्स में जीता है। अब इनके फैमिली के बारे में जान लेते हैं दोस्तों।
तो फादर का नाम रंजीत दास जो कि फार्मर है, मदर का नाम जोनाली दास जो वो भी फार्मर है। इसके अलावा इनके दो छोटे भाई बहन भी है, भाई का नाम है बसंता दास और सिस्टर का नाम है रिंती दास। दोस्तों अब आखिर में हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, शेयर ज़रूर करिए और साथ ही अगर आपके मन में कोई सुझाव हो या आपको कुछ पूछना हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर ले। धन्यवाद दोस्तों।